हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एसएस की शादी दुनिया चैनल में। आज की रेसिपी हम लेकर के आए हैं पालक और सोयाबीन की बरी। तो इसमें आपको आयरन और प्रोटीन दोनों ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। पालक और न्यूट्री नगेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये हरी धनिया ली है और एक कटोरी न्यूट्री नगेट लिया। इसको बॉयल करके हमने इसको अच्छे से निचोड़ लिया था और एक बड़ी प्याज ली है यहाँ पे, और इसमें हमने तीन टमाटर लिए हैं, सात आठ लहसुन की कली, एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक टीस्पून काली मिर्च, चार मैंने लौंग ली है और चार ही हरी मिर्च ली है। और यहाँ पे जो मैंने हरी धनिया लिया है ना, इसको हम इसमें डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। पानी भगोने में अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें पालक को डालेंगे। पालक को हम इसमें तीन चार मिनट तक रहने देंगे, फिर इसको निकाल करके हम ठंडे पानी में डाल देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे ना तो फिर ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तीन चार मिनट हो गए हैं फ्रेंड, हम इसको अब पालक को छन्नी में निकाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम ठंडा पानी डालेंगे। सो फ्रेंड, हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है और हमारी पालक भी ठंडी हो गई है। अब हम इसको मिक्सी में एक बार के लिए चला लेंगे। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक पैन गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें न्यूट्री नगेट डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें न्यूट्री नगेट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारी सोयाबीन की बड़ी जो है वो ब्राउन हो गई है हल्की, और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें एक हम तेज पत्ता भी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी मेथी भी जाएगी, मेथी के दाने, और इसको सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। प्याज जो है हल्की सुनहरी भुन गई है, अब हम इसमें जो टमाटर का पेस्ट हमने पीसा था उसको डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पर ही एक दो मिनट तक के लिए भूनेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसको दो तीन मिनट के लिए भून लिया था, अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे और उसको मिक्स करके पाँच मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर ही। फ्रेंड, हमने इसको पाँच मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भून लिया है, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। पहले हम इसमें धनिया डालेंगे, फिर हम उसमें हल्दी भी डालेंगे और मिर्च भी डाल देते हैं, और इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करके हम तीन चार मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको भी भून लेंगे। तीन चार मिनट हो चुके हैं और इस मसाला भी, मसाले में चिकना भी अलग हो गया। अब हम इसमें इस बरी को डालेंगे सोया की, और उसको मिक्स करके हम चार मिनट तक इसको भी हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। मिनट तक हमने इसको सोया बरी मिला के भून लिया था, अब हम इसमें कसूरी मेथी को भी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके एक मिनट तक हाई फ्लेम पर ही। तो फ्रेंड, एक मिनट हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको चला करके देसी डालने के बाद चला लेंगे, और चलाने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैं तो वही जिसमें मैंने पालक को बॉयल किया था वही पानी डाल रही हूँ, आप चाहिए तो नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से ही लगाइए जितना आपको चाहिए। सो फ्रेंड्स, सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, इसको हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, सब्जी बनके तैयार हो गई है, और देखिए कि देखने में भी अच्छी लग रही है, इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसको इस तरह से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।